मुस्कुराते बहुत हो, दिल को लुभाते बहुत हो। दिल तो करता है कि तुझे डिनर पर ले जाऊं, पर डर लगता है कि तुम खाते बहुत हो। नमस्ते, आप देख रहे हैं खाना एक्सप्रेस और मैं हूं आपकी होस्ट एंड सेफ अंजु श्रीवास्तव। फेस्टिव सीजन में हम बाहर खाना खाना पसंद करते हैं। शहर के किसी भी रेस्टोरेंट में पूरी फैमिली का बिल तकरीबन 3000 तक आ ही जाता है, लेकिन अगर मैं ऐसा कहूँ कि इसके आधे से भी कम में यह मुमकिन है, कम पैसे में अनलिमिटेड फूड। तो आज के इस व्लॉग में खाना एक्सप्रेस आपको ऐसी जगह लेकर चलती है जहाँ 100 से अधिक वैरायटी वाला वेज खाना जितनी मर्जी खाइए, और पे करना है लंच 280 और डिनर 330 पर पर्सन, है ना अमेजिंग। तो चलिए शुरू करते हैं यमी सफर खाना एक्सप्रेस के साथ। सूरत के वेसू में स्थित है ऑस्कर पिज्जा। मैं आ गई हूँ ऑस्कर पिज्जा और आज मेरी किटी पार्टी है और आज मैं सारी फ्रेंड्स के साथ मिलने वाली हूँ। राजभोग मील के रिबन के साथ स्वाद का यह सफर शुरू होता है। 500 की सिटिंग कैपेसिटी वाला ऑस्कर पिज्जा में पिज्जा इंटीरियर का अहम हिस्सा है। वॉल आर्ट से लेकर लाइट्स तक पिज्जा क्राफ्टेड है। मील के पहले हिस्से में स्टार्टर सेक्शन में 20 से ज़्यादा वैरायटी मिलती है। कई तरह के सूप से लेकर पानी पूरी तक में हाइजीन का खास ख्याल रखा गया है। खाने के इतने सारे ऑप्शंस देखकर आप बार बार सोचेंगे कि इतने कम प्राइस में इतना ज़्यादा वैरायटी कैसे। सैंडविच में भी यहाँ 5 वैरायटी मिल जाएगी। गुजरात के लोगों की पहली पसंद फरसान और पानी पूरी देखकर ही मुंह में पानी आ जाएगा। बिना किसी देर के मैंने अपनी पसंद की चीज़ें ले ली हैं। राइस, पास्ता, सलाद और सूप के अलावे मैंने सैंडविच ट्राई किया। यहाँ पे सैलड की बहुत सारी वैरायटी है, उसमें मैं 3 वैरायटी टेस्ट कर रही हूँ। ये ग्राउंडनट की है, ये बहुत ही टेस्टी है। यहाँ का खाना मुझे बहुत पसंद आया। मेरी दोस्त बताएंगी उनको कैसा लगा। स्टार्टर में तो इतनी वैरायटी है, क्या बताऊँ, बहुत यम्मी खाना। सलाद में भी बहुत सारी वैरायटी है, बहुत टेस्टी है। इंडियन, चाइनीज, साउथ इंडियन, मेन कोर्स में भी बहुत सारी वैरायटी है। इट्स अनलिमिटेड वैल्यू फॉर मनी। अच्छे खाने के बाद डेजर्ट खाना ना भूलें। फ्रेश एयर और सिटी व्यू के साथ खाने की इच्छा हो तो यहाँ के ओपन एयर स्पेस को भी ट्राई किया जा सकता है। फेस्टिवल में कहीं और क्यों जाना जब हर दिन मिलेगा नया टेस्ट और नया खाना।